क्वेश्चन नंबर 8 यानी 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर दी फॉलोइंग नंबर। तो हमें क्या करना है, देखिए दो पार्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है जिसकी पावर बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नहीं समझे, जिसकी पावर बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी बड़ी संख्या होंगी। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। लिखिए यहाँ पे, देखिए क्या मिला हमें, 2.7 × 10^12 एंड 1.5 × 10^10 क्या मिला, 8। सॉल्व कीजिए, यहाँ लिखिए ऑन कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट ऑफ बेस। तो बेस में हमारा क्या मिल रहा है, लास्ट में 10 मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। अब ग्रेटर देन कौन हो रही है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कौन सी संख्या। देखिए 2.7 × 10^12 क्या मिला हमें, 12, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ग्रेटर देन है। देखिए इसकी पावर 12 है और इसकी पावर क्या है, 8 है, तो ये बड़ी है, तो ये लिखा जाएगा। यहाँ लिखिए 1.5 × 10^10 क्या मिला, 8, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में मिला 4 × 10^14, तो यहाँ लिखिए 4 × 10^14 एंड 3 × 10^17। तो आपको पता लग गया कि यही हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, बड़ी है। यहाँ लिखिए ऑन कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट ऑफ, अब देखिए बेस में क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, 10, यहां भी 10 मिल रहा है और यहां भी 10, तो यहां लिखिए बेस 10, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन लिख दीजिए, तो ग्रेटर देन कौन सी मिली हमें, 17, तो यहां लिखिए 4 × 10^14 क्या मिला, 14, तो इससे ग्रेटर देन कौन मिला, 3 × 10^17, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।